अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तवा साफ़ करेंगे, जो कि बहुत इजी मेथड से साफ़ हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट ये जो हमारा तवा है साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा ऐसे जमा रहता है कार्बन वगैरह, तो इससे रोटी भी अच्छी नहीं बनती और घी वगैरह भी जला जला सा रहता है, तो रोटी भी खाने का दिल नहीं करता। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले हम तवे को चूल्हे पर रख लेंगे और इसको ज़रा अच्छे से गर्म करेंगे, धीमी आंच पे। हमने ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी और किसी चमचे या पलटे की मदद से हम इसको घसीटेंगे ताकि ये जो हमारा कार्बन है ये उतर जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो चुका है तो हम इसको चमचे की मदद से हम इसको उतार रहे हैं। बहुत ईजी, जल्दी उतर जाता है अगर तवा गर्म हो। आप नीचे उतार के भी इसको साफ़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम क्या नाम है, हमारा जो तवा है ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए चूल्हे पर रख के इसको क्या नाम साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखें, जहाँ जहाँ कार्बन सारा जमा हुआ है वो ईजिली उतर रहा है गर्म तवे के ऊपर से। इसी तरह हम सारा उतार लेंगे, देखें। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। हम यहाँ पे अब नीचे उतार लेंगे और सारा कार्बन नीचे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें, हमारा जो तवा है कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। अगर आपको लगे कि तवा ठंडा हो गया और ये कार्बन नहीं उतर रहा, तो आप फिर दोबारा इसको गर्म करके उतार सकते हैं। ये देखें, जो नीचे वाली तवा है नज़र आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमने इसको अच्छे से साफ़ करना है, इससे हमारी रोटी भी अच्छी बनेगी और खाने का भी दिल करेगा। ये देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप ना वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए कि कैसे ये प्रोसेस हुआ था और कैसे ये चीज़ें साफ हुई हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, हमारा जो तवा है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और आसानी से सारा कुछ कार्बन जो जमा हुआ है, रोटी वगैरह जो भी हम बनाते हैं सालन वगैरह इसके ऊपर गर्म करते हैं, तो वो उतर चुका है। अब हम इस पे विगनर डाल के स्काउच की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत रह गया वो अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखें हमारा जो तवा है साफ़ हो चुका है। अब इसे वॉश करते हैं और ये देखें, हमारा जो तवा है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इस पर रोटी भी अच्छी बनेगी, ज़रा भी कोई भी कालक वगैरह होती है वो नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।